हेलो दोस्तों, मेरा नाम गमेर सी रणावत है और आप देख रहे हैं टेक मेवाड़े यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल से नए जुड़े हैं तो फ्री में सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का निशान जरूर दबाएं। दोस्तों, आज मैं दिखाने वाला हूं आपको लाइव सीधा राजकोट इंडस्ट्री से ही, जहां पर बन रही है जो इलेक्ट्रिक मोटर। ना आपने कभी सोचा है कि ये मोटर बनती कैसे है, कहां बनती है? तो चलिए देखिए, आज मैं आपको सीधा यहां पर लेके आया हूं जहां पर बन रही है बहुत सारी मोटर। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे जो साथीगण हैं वो आप तक कैसे पहुंचेंगे, इसलिए आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हितेश पटेल है, सोनम इलेक्ट्रिकल्स राजकोट से, अमरनगर मवड़ी प्लॉट में ये फैक्ट्री हमारा चलता है। तो अभी जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुत सारी आपके यहाँ पर ये मोटरें तैयार हो रही है, तो मतलब कौन कौन सी आप मोटरें बनाते हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ इंडक्शन मोटर सिंगल फेस में, थ्री फेस में, और गियर मोटर है, कूलेंट पंप है, सेल्फ प्राइमिंग पंप और वाइब्रेटरी मोटर है, सब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आप खुद यहीं पर बनाते हैं या फिर मतलब बाहर से लाके बेच रहे हैं, कैसे मतलब असेंबल करके कैसे? नहीं सर, पूरा हमारा मैन्युफैक्चरिंग ही है, पहले से लेके लास्ट तैयार हो जाने तक हम ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा, तो जैसे ये इलेक्ट्रिक मोटर देख रहे हैं हम, तो ये इसका कितने रेंज से कितने रेंज तक बनाते हैं, मतलब कितने एचपी से लेकर कितने एचपी तक आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं वो? हमारा थ्री फेस मोटर में 0.25 से 20 एचपी तक है, और सिंगल फेस में 0.25 से 3 एचपी तक का है, और वाइब्रेटर में 0.25 से 3 एचपी तक। सिंगल फेस और थ्री फेस में सब अवेलेबल है। जैसे ये वाटर पम्प देख रहे हैं छोटे छोटे, तो उसमें कितना रेंज तक बनाते हैं आप? उसमें 0.5, 0.75 और 1 एचपी तक बनाते हैं। अच्छा, जो छोटा मतलब घरेलू होज के लिए यूज़ किया जाता है? बिल्कुल, घर के लिए या फिर कोई काम चल रहा है, ऐसा है पानी की ज़रूरत है, वहाँ सब जगह चलता है, पोर्टेबल रहता है। अब एक मेरे कंफ्यूज है कि मैंने काफ़ी सारी मशीनों में क्या वो एल्यूमिनियम की वाइंडिंग देखी है, और जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो आप यहाँ पर कॉपर यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सा सही रहता है? देखो सर, ये मार्केट में तो सब सस्ता बेचने वाला बहुत ज़्यादा लोग है, ऐसा नहीं है, वो सब एल्यूमिनियम डाल के देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो इस्तेमाल नहीं होता, इसका तो हम कॉपर में ही पूरा वाइंडिंग करते हैं जो बेस्ट क्वालिटी बनता है। तो कॉपर का वाइंडिंग आप यूज़ करते हैं, तो इससे मतलब क्या फ़ायदा रहता है इससे? उसकी जो आवरदा है मोटर की चलने की, फिर उसकी जो ताकत है वो सब दुगुना हो जाती है, यानी कि उसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। तो अब आप हमें एक जानकारी दीजिए, जैसे ये मोटरें हैं जो कैसे बनती है ये? हमारे यहाँ मशीनिंग होके बॉडी आ जाती है, फिर उसमें स्टैम्पिंग बिटता है, उसमें फाइल वगैरह लगेगा, फिर आप देख सकते हैं कि ऐसे वाइडिंग होगा, फिर उसमें टेपिंग कनेक्शन, फिर फिटिंग, और फिर लास्ट में टेस्ट होगा पूरा उसका, फिर कलर होके फिर डिस्पैच करने के लिए रेडी हो जाता है। अब जैसे आपने ये मोटर तैयार कर ली है, लेकिन 1000 किलोमीटर दूर से अगर कोई ऑर्डर करता है आपको, तो उसको आप किस प्रकार की पैकिंग प्रोवाइड करोगे, तो मतलब उसको कोई नुकसान नहीं होगा? उसके लिए हम वुडन बॉक्स करते हैं और कोरूगेटेड बॉक्स में पैकिंग करके भेजते हैं। अब इसकी कोई वारंटी वगैरह? 1 ईयर वारंटी आती है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कुछ भी होता है तो हम 1 साल के अंदर सब कर देते हैं फ्री में। वापस रिप्लेस करते हैं या फिर रिपेयर करते हैं? अब सर एक सवाल और आता है कि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग वेरिएंट में मोटर है, तो कौन सी मोटर किस काम की है यहाँ पर? ये सब जो मोटर है, ये पानी का पंप है, सेल्फ प्राइमिंग पंप, ये पानी चलाने के लिए ऊपर लगाना है तो चलेगा, फिर ये कॉमर्शियल वॉशिंग मशीन है बड़ा, वो उसके लिए चलेगा, फिर ये हाइड्रोलिक प्रेस है उसमें लगेगा, फिर ये लेथ मशीन है, आटा चक्की है, और कई सारी मशीनों में ये चलता है, फिर ये है ब्रेक मोटर, ये ब्रेक मोटर है जो लिफ्ट वगैरह में चलता है, और ये है गियर मोटर जिसको कम चलाना है, आरपीएम कम चाहिए, उसमें सब जगह चलता है ये, और ये है कूलेंट पंप, उसमें 3 वेरिएंट है सब, जो ग्राइंडिंग मशीन है, थोड़ा सा पानी चाहिए उसके लिए, ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में चलता है।
ये इंडक्शन मोटर ही है, ये भी सब जगह छोटी बड़ी मशीन में चलता है, ये सारी सब इंडक्शन मोटर ही है। ये जो ये सब वाइब्रेटर है, इसमें सब छोटा बड़ा आता है, उसमें सब जगह अलग अलग वाइब्रेशन की जैसे ज़रूरत है वैसे चलता है। ये टेबल में चलता है, ब्लॉक मशीन में, टेबल वाइब्रेटर में चलता है, सब जगह चलता है ये। फिर ये है बेंच ग्राइंडर, ये जो टूल घिसने में कुछ लोहा वगैरह सब घिसना है तो उसके लिए ये चलेगा। और ये स्पेशल प्रोडक्ट है हमारा, जो CNC मशीन और VMC मशीन के लिए फुल प्रेशर में पानी चलता है। अब हमारे जो साथीगण है ना, वो इस मोटर को खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो वो कैसे खरीदेंगे और प्लस मतलब क्या खर्चा आता होगा, मतलब कितना पैसा लगता होगा इन मोटर का? देखो प्राइस में तो सर ऐसा है कि मार्केट से तो काफ़ी कम है हमारा प्राइस, फिर सब अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से उसका रेट रहता है। और वैसे तो हमारा सब हमारा ही मैन्युफैक्चरिंग है, फिर ये कॉपर है, कॉपर तो हम बना नहीं सकते, वो तो बाहर से फैक्ट्री से लेना पड़ता है, तो उसका प्राइस जो है वो अप डाउन होता रहता है। उसके हिसाब से देखो 1 HP, 5 HP, 20 HP जो भी मोटर है उसका प्राइस थोड़ा अप डाउन होता रहता है। ख़रीदने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे मेरी फैक्ट्री पे भी डायरेक्ट आ सकते हैं। तो बारी अब आपकी है इन मोटरों को खरीदने की, इन पंप को खरीदने की, इन वाइब्रेटर मशीन को खरीदने की। तो चलिए आप इसे खरीदिए, आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इस वीडियो के अंदर भी मिल जाएंगे आपको। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जाकर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है इस मोटर की डिमांड किसी को है और इस वीडियो के जरिए वो मोटर उसके पास पहुंच जाए। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आज ही जाकर लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आने वाले जो वीडियो है आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।